टू यू ऑल, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सेवन रेडियंस बुक इंग्लिश से चैप्टर सेवन, क्लास सेवन से चैप्टर सेवन। देखिए आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आपको हम तीन हिंट देंगे। पहला हिंट है कि ये वो देश है जहाँ पे दुनिया में सबसे पहली बार बुलेट ट्रेन चलाया गया। बुलेट ट्रेन जो है काफ़ी फास्ट चलती है, मतलब ट्रेन होता है जिसका स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। ये आपको हो गया पहला हिंट। दूसरा हिंट है कि अमेरिका ने इसी देश के दो शहरों पे, नाम था नागासाकी और हिरोशिमा, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 1945 में एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। और तीसरा हिंट आपको हम देंगे एक म्यूजिक के माध्यम से, आपको म्यूजिक सुनना है और उसको पहचानना है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। तो इस सॉन्ग में एक देश का नाम आया, क्या नाम था? जापान। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अच्छा जापान से फेमस है जापानी शू, गाना भी बहुत फेमस है ये। तो जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन, आज हम लोग कौन से देश के बारे में पढ़ रहे हैं? बोलिए कौन सा पढ़ रहे हैं? तो जापान जो देश है, पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो जापान देश की राजधानी क्या होती है? टोक्यो। क्या होता है? टोक्यो। देखिए जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो, अच्छा जापान जो देश है ना वो आपको पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया भी कहाँ है? एशिया में, लेकिन इंडिया जो है एशिया के साउथ में है। इंडिया जो है एशिया के कहाँ पे है? साउथ में। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप पे देखें तो यहाँ पे ये पूरा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया, ASIA, एशिया, ये एशिया का हिस्सा है। तो इंडिया यहाँ पास है और जापान यहाँ है, तो इंडिया जो है एशिया में साउथ में है और जापान जो है एशिया में ईस्ट में है। तो जापान जो है एशिया में कहाँ है? ईस्ट में, ईस्ट एशिया में है। बात करें हम लोग एरिया का, तो एरिया में जो जापान का रैंक है कितना है? बोलिए 62। पूरे वर्ल्ड में जापान का जो रैंक है एरिया में, क्षेत्रफल में, मतलब कि कौन सा देश कितना बड़ा होता है, जैसे सबसे बड़ा देश रसिया है, तो जापान का रैंक कितना है? 62। और पॉपुलेशन में बात करें तो पॉपुलेशन में जापान का रैंक है कितना? 11। मतलब दुनिया में जापान जनसंख्या में 11वां देश है। देखिए जैसे इंडिया के लोग को बोलते हैं इंडियन, तो जापान के लोग को बोलते हैं जैपनीज। जैपनीज क्या बोलेंगे? और वहाँ करेंसी चलता है जैपनीज येन। जापान का करेंसी, करेंसी बोलते हैं मुद्रा को। देखिए करेंसी, करेंसी का हिंदी क्या होता है? मुद्रा। जैसे इंडिया में चलता है रूपीज, तो जापान में क्या चलता है? अरे मुद्रा तो करेंसी है, तो क्या बोलते हैं? जैपनीज येन। जैसे इंडिया का मुद्रा, हिंदी होता है मुद्रा और इंग्लिश होता है करेंसी, तो इंडिया में चलता है रुपीज, तो जापान में चलता है जैपनीज येन, जैपनीज येन। 1 येन का वैल्यू होता है 0.577 रुपीज, इंडियन रुपीज। मतलब बात करें हम लोग इंडियन रुपीज में, तो 1 येन अगर मान लो कि जापान का मेरे पास 1 येन है, तो इंडिया के 57 पैसे के बराबर होगा। तो इस हिसाब से बड़ा कौन हुआ, रुपीज हुआ कि येन हुआ? रुपीज। रुपीज जो है येन से स्ट्रांग है। कहने का मतलब है अगर हम लोग वहाँ के लोग को अपने देश का 57 पैसा देंगे तो वो लोग हम लोग कितना येन देंगे? 1 येन। कोई दिक्कत यहाँ पास? अब यहाँ चैप्टर का नाम है जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड का मतलब होता है धरती, लैंड का मतलब धरती, और राइज मतलब उगना, और सन बोलते हैं सूरज को, जिसको बोलते हैं सूर्य देवता भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं। तो इसका हिंदी हुआ चैप्टर का, देखिए चैप्टर सेवन जो है इसका हिंदी हुआ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन, हिंदी क्या हुआ? जापान उगते हुए सूर्य का देश। तो इसका मतलब ये मत समझ जाना कि सूरज निकलता सबसे पहले जापान में। आप लोग बताइए, आप लोग को पहले बता चुके हैं सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। क्या है? तो इसका हिंदी क्या हुआ? जापान उगते हुए सूर्य का देश। आइए समझते हैं जापान को क्यों बोलते हैं उगते हुए सूर्य का देश, क्योंकि सूरज सबसे पहले निकलता है किरीबाती आइलैंड में और न्यूजीलैंड में। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज, क्या पढ़ेंगे? बिकॉज, देखिए BECAUSE, इसको क्या पढ़ते हैं? बिकॉज। क्या पढ़ते हैं? बिकॉज इट अपीयर्स, अपीयर्स मतलब प्रतीत होना,
एज इफ द सन राइजेस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ जापान व्हेन व्यूड फ्रॉम चाइना। इसका हिंदी हुआ कि चाइना के लोग जब देखते हैं जापान की तरफ, चाइना और जापान जो है, आइए समझते हैं वर्ल्ड मैप पे। देखिए यहाँ पास वर्ल्ड मैप में, ये जो मेरे हाथ में वर्ल्ड मैप है, ये हो गया इंडिया, यहाँ पे है जापान, ये क्या हो गया जापान, ये क्या है जापान, यहाँ क्या है चाइना। तो चाइना से जापान किस तरफ है, ईस्ट में, और सूरज निकलता है कौन तरफ, ईस्ट से। सुबह में सूर्य देवता, सुबह में सूरज कौन सी दिशा में निकलता है, और जो जापान है वो चाइना से ईस्ट में है, चाइना से ईस्ट में है। इसीलिए जब चाइना के लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, ईस्ट से, कहाँ से, जापान से। देखिए जापानीज जो लोग होते हैं वो अपने देश को बोलते हैं निपोन या निहोन। जापान के लोग, जापान के लोग क्या बोलते हैं, जापानीज क्या बोलते हैं, तो वो अपने देश को बोलते हैं निपोन या निहोन। वहाँ के भाषा में, वहाँ के लैंग्वेज में वे लोग अपने देश को बोलते हैं निपोन या निहोन, जिसका मतलब होता है सोर्स ऑफ द सन। इस वर्ड का निपोन या निहोन का मतलब होता है सोर्स ऑफ द सन, मतलब सूर्य का स्रोत। इसी कारण से जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखिए ये क्या है मेरे हाथ में, क्या है, जापान का, देखिए ये जो है जापान का क्या है, नेशनल फ्लैग। तो जापान के नेशनल फ्लैग में आपको ये बीच में रेड दिख रहा है, तो ये जो रेड कलर से जो गोल डिस्क है, डिस्क बोलते हैं, देखिए गोल इस तरह को बोलते हैं डिस्क। तो जापान के नेशनल फ्लैग में जो डिस्क है DISC, ये सूर्य को रिजेंबल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जापान देश में जो सूरज है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वहाँ पे सूरज का बहुत महत्व है। इसी कारण से जापान के नेशनल फ्लैग में जो बीच में रेड डिस्क है वो किसको सिंबलाइज करता है, किसको प्रतीत करता है, सूर्य को। और जापान में दो धर्म मेन है, देखिएगा चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। एक धर्म का नाम है सिंटो, क्या बोलते हैं, सिंटो। देखिए जापान का ये रिलीजन है सिंटो, और एक और रिलीजन है बुद्धिज्म। जापान में तीन तरह के लोग हैं, देखिए तीन धर्म के, सिंटो, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी। जापान में सबसे ज्यादा कौन धर्म के लोग हैं, सिंटो। सेकंड नंबर पे कौन है, बुद्धिज्म, और थर्ड नंबर पे कौन है, क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ का जो दो मेन धर्म है सिंटो और बुद्धिज्म, यहाँ भी सूर्य का बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए जापान देश में सूरज का बहुत ज़्यादा ही क्या वैल्यू है। और इसी कारण से जापान के फ्लैग को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं द राइजिंग सन फ्लैग। क्या रखना, जापान के फ्लैग का नाम होता है, जैसे हम लोग का नाम होता है तिरंगा, तो उनके फ्लैग का नाम होता है द राइजिंग सन फ्लैग, द राइजिंग सन फ्लैग। तो दुनिया में कौन से देश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, न्यूजीलैंड में। लेकिन जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का देश, क्योंकि चाइना से देखने पे जब चीन से देखते हैं तो लगता है कि कहाँ से निकल रहा है। अच्छा हम लोग रहते हैं कौन से देश में, तो क्या भारत के बारे में कुछ जानना चाहिए ना, तो भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि भारत का जो सबसे ईस्ट में है वो कौन, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा जान जाओ कि अरुणाचल प्रदेश में उस टाउन का नाम है डोंग, क्या रखना, डोंग क्या बोलते हैं, डोंग। और ये डोंग जो है वो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है, ANJAW, अंजाव डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कहते होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट कहते क्या हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, राज्य। जैसे बिहार एक राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, झारखंड राज्य है, उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, एक स्टेट, क्या है, स्टेट का हिंदी क्या होता है, राज्य। तो भारत में कौन से राज्य में, या ऐसे कहें कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिला में, अंजाव, कौन सा जिला, और कौन से शहर में, डैंग, शहर का नाम क्या है, डैंग। कोई दिक्कत, आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को, किससे, अब बुक से स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ जो पढ़ेंगे ये आपको हो गया जापान का नेशनल फ्लैग, और इस चैप्टर में आएगा कि जापान के लोग जो हैं क्या पे घूमने के शौकीन हैं, रिक्शा पे, क्या के, और यहाँ पे रिक्शा जो चलाते हैं हम लोग तो उसमें लगा रहता व्हील वगैरह, लेकिन वहाँ पे जो रिक्शा है आदमी खींचते हैं, यहाँ भी आदमी चलाते हैं लेकिन उसमें पहिया होता ना है, आगे में हैंडल होता है। देखिए जापान का रिक्शा जो है कुछ इस तरह का होता है, ये कहाँ का रिक्शा हो गया, जापान का। आइए
ये जो है जापान का पंखा है, वहाँ के जो लोग होते हैं हाथ में पंखा लेके घूमने के शौकीन होते हैं, पुआल का स्ट्रॉ का क्या बनाते हैं, पंखा। तो ये कौन सा फैन है, जापानीज फैन, कौन सा फैन। देखिए ये जो है आप लोगों को क्या दिख रहा है, गुड़िया दिख रहा है। तो जापान में लड़की लोग के लिए एक त्यौहार मनाते हैं, कब मनाते हैं ये बताएंगे चैप्टर में, बोल दे अभी। 3 मार्च को, कब मनाते हैं 3 मार्च को। इस फेस्टिवल को जापानी भाषा में बोलते हैं हिनामात्सुरी, क्या बोलते हैं हिनामात्सुरी। तो वहाँ पर जो जापान की जो लड़की होती है वो नेशनल हॉलीडे होगा, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल चैप्टर में। ये एक जापानीज लड़की है जो किससे खेल रही है, एक डॉल से खेल रही है, किससे खेल रही है, छोटे छोटे डॉल्स होते हैं उससे खेलते हैं। और वहाँ पे लड़का लोग के लिए त्यौहार मनाते हैं, कौन सा मछली है जी, कौन है, रोहू नहीं कार्प है, रोहू भी कार्प होती है लेकिन चैप्टर में उसको क्या बोलेंगे, कार्प, क्या बोलेंगे। तो वहाँ पे लड़का लोग के लिए त्यौहार मनाते हैं, लड़का लोग क्या करता है कि इस मछली के जैसा चाहता है कि हम स्ट्रांग बने। जैसे मछली बहुत मजबूत होती है, एक होती है पोठिया मछली, नाम सुना है, पोठिया में इसमें मजबूत कौन है, कार्प क्या है। तो वहाँ के लड़के लोग चाहते हैं कि हम भी इस मछली जितना बहादुर बने, स्ट्रांग बने। और उस दिन वो लोग मछली के आकार में, जैसे ही मछली है उस तरह का पतंग उड़ाते हैं। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर के अंदर, रुक गया। तो ये जो वीडियो है ये हम लोग रहेगा पार्ट वन में केवल आपको क्या पढ़ाए हैं, एक्स्ट्रा। पार्ट टू जो पढ़ा रहे हैं वो किससे पढ़ाएंगे, स्कूल बुक से, किससे, स्कूल बुक से, ठीक है। पार्ट टू स्टार्ट करेंगे।